नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ज्यादातर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, चीटिंग हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, अब इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर पॉलीवाल कमेटी, और उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए। आपने देखा होगा अभी नलकूप ऑपरेटर भी जो पेपर लीक हो गया था, उस बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। तो इसी डायरेक्शन में यूपी ट्रिपल एससी को सुधारने की डायरेक्शन में पॉलीवल जो कमेटी है, उनके पास दो ऑप्शन है। या तो पेपर को ऑनलाइन करा लिया जाए, लेकिन ऑनलाइन कराने के लिए इतने लैब नहीं है, और ऑनलाइन में भी कोई लीकेज रुकती थोड़ी ना है। ऑनलाइन में भी आपने देखा था एसएससी सीजीएल में जो स्कैम हुए थे, डायरेक्ट वो जो कैफे होते हैं उन्हीं के ओनर को वही फिक्स हो जाते हैं, और कई बार वहां से ही ऑनलाइन चीटिंग ही चलती है। मतलब ऐसा कुछ फुल प्रूफ नहीं कि ऑनलाइन आपने करा दिया तो चीटिंग होगी ही नहीं। ठीक है, आपने देखा था एसएससी सीजन में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि टू स्टेजेस होगी ये परीक्षा, कह रहे हैं आईएएस की तर्ज पे कराएंगे। आईएएस के बराबर तो खैर इतनी तो मेरे हिसाब से नहीं है कि आप, वो कह रहे हैं कि एक प्रीलिम्स स्टेज होगी और एक मेन्स स्टेज होगी। दिक्कत तो ये है कि एक परीक्षा तो कराने में इतनी मुश्किल हो जाती है, क्या दो स्टेज की परीक्षा करा पाएंगे लोग, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात मुझे जो नहीं समझ में आई कि अगर अगर लीकेज पेपर होना है तो प्री का भी हो जाएगा और मेंस का भी हो जाएगा, ये इसका क्या सोल्यूशन है, इससे कैसे करप्शन कम हो जाएगा। मैं तो काफी देर समझने की कोशिश करता रहा, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन यूपी सरकार को ये यूपी ट्रिपल एससी को सुधारना है, तो कुछ ऐसी चीजें जैसे जितने भी पेपर जो यूपी यूपी में ही क्यों लीक हो जाते हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कुछ ऐसे मतलब लॉ में अगर कुछ चेंजेस करने चाहिए कि कुछ ऐसे लॉ बनाए जाने चाहिए जो भी लोग ऐसे पकड़े जाए उनको कुछ ऐसा पनिशमेंट मिले, और प्लस थोड़ी सतर्कता बरती जाए थोड़ा इसमें, अगर जो सिस्टम है उसको फुल प्रूफ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ताकि अब एस्पिरेंट वैसे ही इतना एग्जाम, एक एग्जाम तो आप करा नहीं पा रहे हो, उसके रिजल्ट में तो इतने दिन लगा देते हो, और ऊपर से दो कह रहे हो एग्जाम, मतलब जो प्रोसेस चलती है जितने टाइम में, दो तीन साल में उसको क्या 5-6 साल चलाओगे क्या। जैसे यूपी पीसीएस का आप देख लीजिए, 2016 वाले का अब आया था रिजल्ट, ठीक है, 2017 वाले का अभी पता नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं, जैसे यूपी पीसीएस है वैसे यूपी ट्रिपल एससी है, सब ये यहाँ पे सब कुछ है, ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। यूपी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, अभी आपने यूपी पुलिस में देखा, यूपी पुलिस में भी आप देख लीजिए कि पहली बार तो मेरिट कितनी हाई गई, और उसमें भी जैसे मैं कुछ देख रहा था कुछ वीडियोज में कि कुछ कम नंबर वालों का हो गया है, कुछ ज्यादा नंबर वालों का नहीं हुआ है। तो ये कुल मिला के जो बात साफ है कि यूपी की जो नई गवर्नमेंट है वो भी एस्पिरेंट के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि हम लोग उनको बोल सके कि हाँ ये अच्छा काम हो रहा है। एडुकेशन की डायरेक्शन में कुछ काम हो नहीं रहा है यार। एक्चुअली यूपी ट्रिपल एससी तो वैसे ही इनका रिकॉर्ड रहा है, आप देख लीजिए कि ये हमेशा कहीं चेयरमैन बदल जाते हैं कुछ। अभी यूपी पीसीएस में भी आप देख लीजिए, वहां पे जो आपकी सीबीआई जांच चल रही थी उसके हेड ही बदल दिए गए। यूपी पुलिस में अलग सब चीजें चल रही हैं। तो मतलब कुल मिला के सरकार को जायजा लेना चाहिए कि क्या करना है, क्या कर क्या रहे हैं ये, और कब तक इसे चलेगा कि स्टूडेंट के साथ ऐसे ही ये नाइंसाफी करते रहेंगे बार बार। टू स्टेज मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, आप सिस्टम को फुल प्रूफ बनाइए, वो ज्यादा बड़ी बेटर रहेगा। इससे एक तरह से एस्पिरेंट पे और प्रेशर पड़ेगा कि पहले प्री निकालो फिर मेंस निकालो, और वो भी कोई ऐसी आईएएस की तर्ज पे, अगर आप मान लीजिए परीक्षा करवा भी रहे हैं तो वैसी पोस्ट और वो सब चीजें भी तो ये वाली बात है। और लेकिन आजकल ये भी है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स है उसमें भी टू स्टेजेस की परीक्षा होगी, तो थोड़ा सा ना आप लोग को और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और जो भी लोग जैसे पढ़ाई की डायरेक्शन में, और एक बात और है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी है, आजकल अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड ओपन रखते हैं तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आपने पढ़ाई की तो उसको कहीं ना कहीं यूज जरूर करिए, ये वाली बात है बस। ऑल द बेस्ट है सबको।